नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज का प्लान है रामेश्वरम की एक स्पिरिचुअल यात्रा करने का। तो आप रेडी हो जाइए मेरे साथ यहाँ की वाइब्स में घुलने के लिए। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पर कैसे पहुँचा जाए। सबसे सस्ता और पहला ऑप्शन है ट्रेन। आप इंडिया के किसी भी मेजर रेलवे स्टेशन से यहाँ पर ट्रेन पकड़ के आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फ्लाइट से आ सकते हैं, जिसके लिए आपको मदुराई एयरपोर्ट आना होगा। और मदुराई से रामेश्वरम की दूरी अप्रॉक्स 200 किलोमीटर है, जो आप ट्रेन या कैब से तय कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप बाई रोड आ सकते हैं हमारे जैसे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। यहाँ आते ही हमने देखा कि मंदिर के पास ओनली ऑटो वालों की पार्किंग है। अब मंदिर के पास तो पार्किंग है नहीं, सो हमें गाड़ी को यहाँ पार्क करना पड़ा और अब हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। पार्किंग लॉट से यहाँ तक आने के लिए हमें ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चल के आना पड़ा। और ये रही रामेश्वरम मंदिर की पहली झलक। यहाँ मंदिर के सामने ही प्रसाद मिलता है, हमने भी यहाँ से प्रसाद ले लिया है और अब हम दर्शन के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग ईस्ट गेट से मंदिर में जा रहे हैं ताकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉरिडोर देख सकें। अंदर आते ही हमें लाइन में खड़ा होना पड़ा और वो भी वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉरिडोर में। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए चुपके से रिकॉर्ड किया बिकॉज यहाँ पे अलाउड नहीं है। दर्शन करने के बाद अब हम आए हैं इस जगह पर। यह है अग्नि तीर्थम, जो कि एक बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है पूरे साउथ इंडिया में। और यहाँ पर ऐसी भी मान्यता है कि प्रभु श्री राम जी ने स्नान किया था रावण को मारने के बाद, तब से यहाँ पर देश विदेश से लोग आकर इस समुद्र में स्नान करते हैं। तो दूसरों की तरह अब हम भी यहाँ पर चलते हैं और इसी समुद्र में डुबकी लगा के आते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ का घाट भी दिखा देता हूँ, ताकि अगर आप भी आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सके। मैं समुद्र में आ चुका हूँ, मैंने 5 डुबकियाँ भी लगा ली है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है यहाँ पर। आप भी जरूर पधारे। समंदर में नहाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं धनुषकोडी की तरफ, जहाँ से श्रीलंका की दूरी सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर है। धनुषकोडी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि प्रभु श्री राम जी ने इसी जगह पानी में पत्थर तैराए थे और यहीं पर पुल बनाकर लंका गए थे। लेकिन अब तो ये जगह बहुत ही फेमस हो गई है, जिसका अंदाजा आप इस ट्रैफिक जैम से लगा सकते हो। तो चलिए अब आपको ये जगह दिखाते हैं। गाड़ी से उतर के अब हम पाइनएप्पल खा रहे हैं और यहाँ पर ऐसे काफी स्टॉल्स हैं। अगर आप भी आ रहे हैं तो यहाँ स्नैक्स टाइप काफी चीजें अवेलेबल है। वहाँ से आगे आके देखा तो यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर बच्चे भी पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, तो आप भी इस जगह को अपनी बकेट लिस्ट में जरूर ऐड करना और अब आप यहाँ के नजारों का लुत्फ उठाइए। '64 में यहाँ पर एक साइक्लोन आया था, उसकी वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया। अब तो बस अवशेष ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये चर्च। इतने बड़े साइक्लोन के बाद भी ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुआ एंड आज भी इसका काफी हिस्सा मौजूद है। अगर अभी इतना अच्छा आर्किटेक्चर दिख रहा है तो उस जमाने में कितना अच्छा दिखता होगा, ये बस हम इमेजिन ही कर सकते हैं। खैर, इसी के साथ अब चलते हैं यहाँ के रेलवे स्टेशन पे, जो कि अब एक खंडर बन चुका है। ये साउथ इंडिया का सबसे लास्ट स्टेशन हुआ करता था, पर ये भी उस साइक्लोन में नहीं बचा और अब इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है। उस साइक्लोन से पूरा गांव डिस्ट्रॉय हो गया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने इस जगह को रहने के लिए बिल्कुल ही अनफिट डिक्लेयर कर दिया और तब से यहाँ पर कोई नहीं रहता है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये ट्रेन के ट्रैक हुआ करते थे उस जमाने में। अभी तो सीमेंट के ब्लॉक्स यूज होते हैं, बट पहले कुछ ऐसे बनाया जाता था। अब हम वापस निकल गए हैं रामेश्वरम की तरफ, जहाँ हम ट्रेन में बैठेंगे और आपको पम्बन ब्रिज दिखाएंगे। स्टेशन से जनरल टिकट लेके हम आ चुके हैं रामेश्वरम स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और अब यहाँ से मंडपम तक का सफर तय करेंगे, ताकि आपको पम्बन ब्रिज दिखा सकें। आज की हमारी ट्रेन है रामेश्वरम टू तिरुपति एक्सप्रेस और आज हम जनरल में ट्रेवल करने वाले हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम भी इंडिया के लॉन्गेस्ट सी रेल ब्रिज को देखें एंड एक्सपीरियंस कर सकें और आपको भी घर बैठे इसका आनंद मिल जाए।
हमारा पंबन ब्रिज यहाँ से स्टार्ट होता है और यहीं से ट्रेन की स्पीड भी बहुत कम कर दी जाती है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। तो ये है वो पॉइंट जहाँ से इस रेल ब्रिज को ओपन क्लोज किया जाता है ताकि इसके नीचे से बोट्स आ जा सके, और ये ऊपर हाईवे से देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये था मेरा रामेश्वरम का एक्सपीरियंस। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक बटन ज़रूर दबाना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग जर्नीज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।